गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने लोकल सीमेंट सेल्स में 7 साल का सबसे लोएस्ट नंबर टच किया। आज की वीडियो में हम उसी ट्रेंड के बारे में और आगे आने वाली एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं। FY24 में टोटल सीमेंट सेल्स 45 मिलियन टन पर रिपोर्ट हुई, जो कि एनुअल 2% का मॉडरेट इंक्रीज है। इस इंक्रीज के पीछे मेजर रीजनिंग हायर एक्सपोर्ट थी, जो कि 56% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रही, जबकि एक्सपोर्ट के पीछे रीजनिंग इंटरनेशनल कोल प्राइसेस के डाउनवर्ड रिवाइज होने से इंक्रीज्ड वायबिलिटी थी। जबकि दूसरी जानब लोकल सीमेंट सेल्स 33 मिलियन टन पर रिपोर्ट हुई, जो इसके 7 साल का सबसे लोएस्ट नंबर है। इस डिक्लाइन के पीछे रीजनिंग एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन प्राइसेस, हायर इन्फ्लेशन और रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट का होना है। रिसेंटली अप्रूव FY25 के फेडरल बजट में सीमेंट सेल्स पे FED को बढ़ा के 2 रुपीज़ पर KG से 4 रुपीज़ कर दिया गया, जिसका एडिशनल इम्पैक्ट पर बैग तकरीबन 100 रुपीज़ का बनता है, जो कि सेक्टर ने पास ऑन कर दिया है। और अब पास ऑन होने के बाद करंट सीमेंट की प्राइजेस ओवर 1400 रुपीज़ पर बैग पे चली गई हैं। इस प्राइस इंक्रीज से सीमेंट इंडस्ट्री ने अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को नेगेट कर दिया है। साथ ही PSTP की नेक्स्ट ईयर की एलोकेशन में 75% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीमेंट की अगले साल की लोकल सेल्स पे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। जबकि दूसरी जानब हाई टैक्सेस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रिटेलर्स पे लगने की वजह से ओवरऑल इनकम लेवल श्रिंक्स होंगे, जिनकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री के लोकल सेल्स पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। FY25 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरऑल टोटल सीमेंट सेल्स में 2.4% की ग्रोथ विटनेस की जाएगी, जहां लोकल सीमेंट सेल्स की ग्रोथ तो म्यूटेड रहेगी, क्योंकि हायर PSTP एलोकेशन ओवरशैडो हो जाएगी इंक्रीज सीमेंट प्राइसेस की वजह से, जबकि एक्सपोर्ट में इंक्रीज विटनेस किया जाएगा। एक्सपोर्ट में 13% एनुअल इंक्रीज के पीछे रीजनिंग लोअर कोल प्राइसेस और एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू मार्केट्स है। इसके साथ ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री की यूटिलाइजेशन 55% पर रहेगी, जबकि ओवरऑल एवरेज सीमेंट प्राइसेस तकरीबन 1500 पर बैग पे एंड करेंगे। ओवरऑल स्टेबल ग्रोस मार्जिन्स, हेल्दियर अर्निंग और मॉनिटरी ईजिंग स्टांस के ऊपर सेक्टर के ऊपर हमारा बुलिश स्टांस है, जहां लकी, मेपल लीफ और फौजी सीमेंट हमारी प्रेफर्ड पिक्स हैं। इसके अलावा वो सीमेंट इंडस्ट्री कंपनीज जिनका लेवरेज हाई है, वो भी इस मॉनिटरी ईजिंग स्टांस पे फायदेमंद रहेंगे। इस टॉपिक में हमारी डिटेल रिपोर्ट को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। साथ ही इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।